आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे मैथिली सरण गुप्त जी के द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक पाठ का जो दूसरा पद्यांश, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुष्मा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इसका हम आपको संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताएंगे। और यदि आपने इसके पहले यानी पंचवटी शीर्षक पाठ का पहला पद्यांश चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इस पद्यांश का आपने संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी नोट्स बना सकते हैं। और साथ ही मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैथिली सरण गुप्त जी के द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक पाठ आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इस पाठ के प्रत्येक पद्यांश का अर्थ अर्थात उसकी व्याख्या आनी चाहिए। और यदि आप इस चैनल के वीडियो देख लेते हैं तो आपको मैं 100% की गारंटी देता हूं कि आपको व्याख्या नहीं रटना पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मैं आपको हर संभव सरल से भी सरल व्याख्या बताने का भरसक प्रयास करूंगा। आप चैनल के साथ जुड़ें और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें और आप अपनी नोट्स जरूर बनाएं। जी हाँ, आप अपनी नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाने से आपका डबल फायदा होगा। पहली बात तो आपकी राइटिंग यदि अच्छी नहीं है तो अच्छी हो जाएगी, और यदि अच्छी है तो और भी अच्छी हो जाएगी, और आपको आधा याद भी हो जाएगा। तो चलिए, इस पद्यांश का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रथम के दो या तीन शब्दों को पंचवटी की छाया, फिर मैंने यहाँ पर लिख रखा है तीन शब्दों को दृष्टिगत होता है, और इसका संदर्भ आप इस तरह से लिखेंगे। और सेम इसी तरह से आप इस पाठ के जितने भी पद्यांश होंगे उनका संदर्भ इसी तरह से लिखिएगा। तो प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में संकलित या हिंदी के काव्य खंड में संकलित लिख सकते हैं आप। मैथिली सरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत जो पद्यांश है हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य या हिंदी के काव्य खंड में मैथिली सरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी, पाठ का नाम क्या है यानी शीर्षक का नाम क्या है, पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है। और आपको ध्यान देना है कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य या आप लिख सकते हैं हिंदी के काव्य खंड में, तो आपको ब्लैक पेन से लिखना पड़ेगा, और रचयिता का नाम यानी कवि का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, साथ ही शीर्षक अथवा पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो यहाँ पर इस पद्यांश का प्रसंग क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको हेडिंग डालना है प्रसंग। इस पद्यांश में प्रहरी के रूप में लक्ष्मण का सुंदर चित्रण किया गया है। इस पद्यांश के द्वारा कवि ने प्रहरी अर्थात जो रक्षक होता है, जो प्रहरी होता है, जो देखभाल करने वाला होता है, उसी के रूप में लक्ष्मण का सुंदर चित्रण किया गया है। यह बताया गया है कि लक्ष्मण जी कैसे प्रहरी के कर्तव्य को निभा रहे हैं, अर्थात कैसे रक्षा कर रहे हैं अपने भगवान श्री राम और सीता जी की, तो इस पद्यांश के द्वारा बताया गया है, इसी का वर्णन किया गया है। तो चलिए मैं इसकी सबसे सरल व्याख्या बता दूं ताकि आपको व्याख्या रटना न पड़े, आप सुनकर ही या वीडियो देखकर ही आपको 100% पता चल जाए कि इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। कवि मैथिली सरण गुप्त जी कहते हैं
कि पंचवटी की घनी छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। पंचवटी की घनी छाया में एक सुंदर पर्ण कुटीर बना, अर्थात पत्तों की एक सुंदर सी कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, और उसके सामने अर्थात उस कुटिया के ठीक सामने एक स्वच्छ विशाल पत्थर पड़ा हुआ है। उस कुटिया के ठीक सामने उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर कुटिया के सामने एक विशाल पत्थर पड़ा हुआ है, और उस पत्थर पर धीर वीर निर्भीक मना, उस पत्थर पर धैर्यशाली निर्भय मन वाला वीर पुरुष बैठा हुआ है। उस पत्थर पर कौन बैठा हुआ है? धीर वीर निर्भीक मना, अर्थात उस पत्थर पर धैर्यशाली वीर निर्भय मन वाला वीर पुरुष बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। मैथिली सरल गुप्त जी कहते हैं कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। सारा संसार सो रहा है जबकि भुवन भर सोता है। सारा संसार क्या कर रहा है? सो रहा है। परंतु यह जो वीर पुरुष है अर्थात यह जो धनुर्धारी है इस समय भी जाग रहा है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। भोगी कुसमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। और यह वीर ऐसा दिखाई देता है या ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बनकर आ बैठा हो, और यह जो योगी अर्थात यह जो प्रहरी है यह ऐसा दिखाई दे रहा है मानो कि कामदेव यहाँ योगी बनकर आ बैठा हो। तो इसकी आप सरल व्याख्या कैसे लिखेंगे? पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। इस तरह से आपको हेडिंग डालना है व्याख्या। और क्या हो जाएगी व्याख्या? कि मैथिली सरल गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की घनी छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी की घनी छाया में क्या बनी हुई है? एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है, और उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, और उसके सम्मुख अर्थात उसके जो है सामने एक स्वच्छ विशाल पत्थर पड़ा हुआ है। उसके यानी उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ विशाल पत्थर पड़ा हुआ है, और उस पत्थर के ऊपर धैर्यशाली निर्भय मन वाला वीर पुरुष बैठा हुआ है। उस विशाल पत्थर पर कौन बैठा हुआ है? धैर्यशाली निर्भय मन वाला वीर पुरुष बैठा हुआ है। कि उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सारा संसार सो रहा है, सारा संसार सो रहा है, परंतु यह धनुर्धारी या यह धनुषधारी इस समय भी जाग रहा है। परंतु यह जो धनुर्धारी है यह इस समय क्या कर रहा है? जाग रहा है। सारा संसार तो सो रहा है परंतु जो पत्थर पर बैठा हुआ धीर वीर और निर्भीक यानी धैर्यशाली वीर पुरुष और निर्भय मन वाला जो व्यक्ति बैठा हुआ है अर्थात जो लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं ये कैसे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये इस समय भी जाग रहे हैं जबकि सारा संसार क्या कर रहा है? सो रहा है। और योगी कुसमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। क्या हो जाएगी व्याख्या? मैथिली सरल गुप्त जी कहते हैं कि यह वीर पुरुष
यह वीर पुरुष ऐसा दिखाई देता है या ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बनकर आ बैठा हो। यह वीर पुरुष कैसा दिखाई देता है, मानो कि भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बनकर बैठा हो। भोग करने वाला कामदेव यहाँ पर आकर के क्या बनकर बैठा हो, योगी बनकर बैठा हो। भोगी कुष्मा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो इसकी सरल व्याख्या मैंने आपको बता दी है। अब इसका काव्यगत सौंदर्य आपको कैसे लिखना है और काव्यगत सौंदर्य में कुछ बिंदु आपको स्मरण रखने हैं जो आपको इस पाठ के, जी हाँ, आपको इस पाठ के यानी पंचवटी शीर्षक पाठ के प्रत्येक पद्यांश के काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काव्यगत सौंदर्य इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है या इस तरीके से हेडिंग डाली जाती है। आप काव्य सौंदर्य या काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डाल सकते हैं। और पहला बिंदु है भाषा। यहाँ पर भाषा क्या है दिए गए पद्यांश की, खड़ी बोली है। तो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक पाठ के जितने भी पद्यांश हैं, इस पाठ में कुल कितने पद्यांश हैं, कुल 9 पद्यांश हैं और सभी की भाषा क्या है, खड़ी बोली है। सभी की भाषा क्या है, खड़ी बोली है। अगला बिंदु है रस। तो इस पद्यांश में कौन सा रस है, शांत रस है। अगला बिंदु है अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास एवं उपमा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्यों है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर एक वर्ण या अक्षर, मान लीजिए ये आवर्ण है अथवा अक्षर है, इसकी आवृत्ति एक से अधिक बार यानी 2 बार हो या 2 से अधिक बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और उपमा अलंकार वहां होता है जहां समान गुणधर्म के आधार पर एक दूसरे की समानता या तुलना की जाए, वहां पर जो है उपमा अलंकार होता है। तो इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार, मैं आपको बता दूं कैसे आप पहचानेंगे कि अनुप्रास अलंकार है, कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुष्मा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार कैसे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भावर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है या 2 से अधिक बार हुई है, जबकि भुवन भर सोता है और यहाँ पर भी भावर्ण है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। और कई वर्ण ऐसे हैं जो 2 बार आए हुए हैं। और उपमा अलंकार कहाँ पर है, भोगी कुष्मा युद्ध योगी सा, यहाँ पर उस वीर पुरुष की यानी जो धैर्यशाली वीर और निर्भय मन वाला बैठा हुआ है उसकी समानता किसके समान की गई है, कामदेव के समान की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा या अनुप्रास अलंकार कैसे पहचाने और साथ ही उपमा अलंकार आप कैसे पहचानेंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप इस दिए गए पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रसंग व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। क्योंकि आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक पाठ का जो दूसरा पद्यांश है उस पद्यांश का भी संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो मैं आज आपके लिए यह वीडियो लेकर के आ गया हूँ। आप अपनी नोट्स बना लीजिए और आप कमेंट्स करिए कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है अथवा नहीं आया है। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया तो अच्छी बात है, तब आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, व्याख्या नहीं रटना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप वीडियो को एकांत मन से देख लेते हैं तो आपको व्याख्या बिल्कुल नहीं रटनी पड़ेगी। आप नोट्स जरूर बनाते रहें।
और साथ ही हम आपको जो प्रेम माधुरी, जिसके रचयिता कौन हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इस पाठ से भी रिलेटेड वीडियो आपके लिए जल्द ही उपलब्ध करा देंगे। आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।